फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूं जिसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई देखरेख करनी नहीं पड़ती है। ऐसे पौधे काफ़ी बार फर्टिलाइज़र की कमी होने की वजह से या फिर फर्टिलाइज़र समय पे नहीं देने की वजह से हमारे पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं। मेरे पास इस तरीके के कमेंट अभी काफ़ी आ रहे हैं कि फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर भी पौधे नहीं ग्रो होते हैं, तो उनके लिए मैं आज सबसे आसान तरीका, आसान पौधे मैं शेयर करूँगी जिससे कि उनको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना फर्टिलाइज़र के भी ये सारे पौधे जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। बस टाइम टाइम पे आपको उसको पानी देना है जब उसकी मिट्टी सूख जाए, और उसकी जो केयर है किस तरीके के सनलाइट में उसे रखनी है बस वही ध्यान में रखना है। इसके अलावा उस प्लांट के साथ और कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे लोकेशन में रखना होगा वो मैं साथ ही साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी, और पानी की रिक्वायरमेंट कैसी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लगभग 10-12 पौधे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ढेर सारे स्नेक प्लांट लगा रखे हैं, और ऑनेस्टली फ्रेंड्स मैं इसमें कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। जब मैंने इसे लगाया था तभी मैंने इसमें मिट्टी जो तैयार की थी तो वो थोड़ी सैंडी सॉइल तैयार की थी, और उसी वक्त मैंने इसमें ढेर सारा फर्टिलाइज़र ऐड करके लगाया था। और आज लगभग इस चीज़ बात को 1 साल हो चुका है। आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ, एक एक बास्केट में कितने ही सारे पौधे मेरे इसके बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ में कोई कमी नहीं है विदाउट फर्टिलाइज़र। तो बिना फर्टिलाइज़र के चलने वाला सबसे अच्छा पौधा होता है ये स्नेक प्लांट, जिसे कि बिल्कुल भी देखरेख नहीं करनी पड़ती है। आप चाहें तो इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं या फिर आप सेमी लाइट में भी रख सकते हैं। कंप्लीट शेड में रखेंगे तो इसके जो ये बेबी प्लांट है ये थोड़े स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन ये प्लांट कंप्लीट शेड में भी चल जाता है। और इसमें फ्रेंड्स पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए पानी बहुत कम दें। मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए तभी पानी दीजिए, अदरवाइज़ ये पौधे रूट रॉट होके ख़राब हो जाते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है डैबिल बैकबोन। डैबिल बैकबोन के प्लांट को भी फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने लगभग 2 साल पहले लगाया था, और बहुत ही छोटे से कंटेनर में ही लगा हुआ, आई थिंक 6 इंच या 8 इंच के गमले में ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं छोटा सा ही कंटेनर है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ मेरे इस प्लांट की चल रही है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसी वक्त इसकी मिट्टी मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया है, और फ्रेंड्स ये प्लांट आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। तो फर्टिलाइज़र बगैर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इसकी देखरेख इतनी ही करनी है कि इसे पानी कम चाहिए होता है, इसीलिए पानी इसमें, इसकी मिट्टी सूख जाए तभी दीजिए। और इसे फ्रेंड्स आप सेमी लाइट एरिया में रखिए, वैसे आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स इस प्लांट में और कोई देखरेख नहीं करनी पड़ती है। इस प्लांट को छोटे पॉट में भी लगा के आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत भी इस प्लांट की नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्लांट जो रूट बाउंड होता है वो बहुत पसंद करता है। इसीलिए छोटे कंटेनर में, छोटे पॉट में बहुत लंबे समय तक बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इतनी सी ही इसकी देखरेख करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे हम हर पौधे में फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं हर 3 महीने में या 6 महीने में, वैसा इसमें कोई नई इश्यू है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये प्लांट मस्त चलते रहता है। तीसरे नंबर में जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट के आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, वैसे तो जेड प्लांट में फर्टिलाइज़र अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड नहीं भी करते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये प्लांट काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी फैल गया है, और ढेर सारी कटिंग मैंने इससे करके भी ढेर सारे पौधे भी तैयार किए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्टिलाइज़र बगैर ये पौधा नहीं ग्रो होता है, लंबे समय तक बिना फर्टिलाइज़र के भी ये पौधा चल जाता है। इसकी देखभाल इतनी ही करनी है कि आप इसे जब भी लगाएं छोटे पॉट में लगाएं, क्योंकि ये प्लांट पानी कम मांगता है।
जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक आप इसमें पानी ना डालें। और ये प्लांट फ्रेंड्स आप सेमी लाइट एरिया में भी रख सकते हैं, फुल धूप में भी रख सकते हैं। इसकी अच्छी ग्रोथ अगर पानी हो तो इसे ऐसे ही लोकेशन में रखिए, अदरवाइज आप इसे शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, काफ़ी बार तो प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। इसीलिए लोकेशन इसकी फुल धूप में रखिए या फिर सेमी लाइट, यानी जहाँ 2-3 घंटे की धूप पड़ती हो। इतना सा ही ध्यान रखने पे ये प्लांट कंटिन्यू लगातार चलते रहेगा। और छोटे पॉट में मेरे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको, आई थिंक फेविकॉल का जो डब्बा होता है, 1 kg का जो फेविकॉल का डब्बा होता है, मैंने इसको उसी में ही लगा के रखा है और ये लंबे समय से मेरे इसी में लगा हुआ है और ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो विदाउट फर्टिलाइज़र ये जेट प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस को मुझे लगा है लगभग 1 साल होने लगा है, लास्ट ईयर इसी टाइम ही मैं इस प्लांट को परचेस करके लेके आई थी। ऑनेस्टली फ्रेंड इस प्लांट में तब से लेके अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है और ये प्लांट मेरे अच्छी तरीके से चल रहा है, आप ग्रोथ देख सकते हैं। इतना सा ही पौधा मैं लेके आई थी और अभी आप देखिए इसकी ग्रोथ कितना ही बड़ा हो गया है ये पौधा विदाउट फर्टिलाइज़र। जब मैंने मिट्टी तैयार करी थी तभी मैंने अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र ऐड करके इसको लगा दिया था और तब से लेके अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, ना ही सॉलिड और ना ही लिक्विड, किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। फिर भी मेरा ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है और इसे आप फुल धूप में रखिए, ग्रोथ अच्छी होती है। अदरवाइज़ आप इसे सेमी लाइट एरिया में भी रख सकते हैं तो वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे पूरी फुल धूप में रखिए। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है फ्रेंड्स ये अजवाइन का पौधा। इस प्लांट को भी फ्रेंड्स बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये प्लांट भी ऐसे ही चलते रहता है। जब इसकी मिट्टी तैयार करें, इस पौधे को लगाएं, तब आप इसे अच्छी मिट्टी में लगाएं, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। उसके बाद जब तक ये प्लांट आपके पास है आप इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र ना भी डालें तो भी ये पौधा चलते रहेगा। पानी की रिक्वायरमेंट कम रखता है इसीलिए पानी बहुत कम दीजिए, जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक देना नहीं है पानी। और इसे आप सेमी लाइट एरिया में रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे फूल धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन फूल धूप में इसकी पत्तियां थोड़ी पीली पड़ जाती है, लेकिन प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप सेमी लाइट में अगर रखेंगे ऐसी जगह जहां 2-3 घंटे की धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां एकदम से लैश ग्रीन होती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। तो आप दोनों जगह पे इसे रख सकते हैं और बिना फर्टिलाइज़र के इसको ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सदाबहार का पौधा। सदाबहार एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा है जिसे काफ़ी बार हम इग्नोर कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्वांटिटी में इसमें फूल खिलते हैं, लेकिन अक्सर ही हम इस पौधे को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ही सारे इसमें फूल खिल रहे हैं और बिल्कुल बिना केयर के, कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती है, यहाँ तक कि बिल्कुल बिना फर्टिलाइज़र के। मैंने इस प्लांट को जब लगाया था, आई थिंक मैंने इसे फरवरी में लगाया था इन सभी पौधों को, और तब से मेरे पास ये पौधे विदाउट फर्टिलाइज़र ही ग्रो हो रहे हैं। और आप फूल देख सकते हैं जब एक साथ ढेर सारे पौधे लगे हो, बिल्कुल सितारों की तरह इसके फूल खिले हुए लग रहे हैं। तो बिना फर्टिलाइज़र के, बिना देखभाल के मस्त चलने वाला पौधा है ये सदाबहार का पौधा। तो इसे भी आप लगाइए, खूबसूरत फूल भी मिलेंगे और साथ ही साथ बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है, बस फूल अच्छे पाने के लिए इसे हमें फूल धूप में रखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बिना फर्टिलाइज़र के चलने वाले पौधे में से बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है ये क्यूवन बटरकफ। इसे भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देखरेख की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई देखरेख नहीं चाहिए होता है और ये पौधा चलते रहता है। फ्लावर आप देख सकते हैं इसे कितने ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये चलते रहता है। इसकी तो मैं क्या ही देखभाल आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं खुद इसकी कोई देखभाल नहीं करती हूँ, ये खुद ब खुद ही ग्रो होते रहता है मेरे गार्डन में हर एक जगह। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं ये पत्थर चट्टा का पौधा। इसे भी बिल्कुल देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसानी से ऐसे ही चलते रहता है। जब मैंने इसे इस कंटेनर में लगाया था, लगभग 1 साल हो चुका है, तभी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था और इसके बाद मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है और ये पौधा ऐसे ही चलते जा रहा है। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है, ढेर सारे प्लांट भी इसमें निकल आए हैं। तो पत्थरचट्टा के प्लांट को भी आप बिना केयर, बिना देखभाल, बिना फर्टिलाइज़र के ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे अच्छा पौधा जो मैंने अपने गार्डन में पाया है वो
है फ्रेंड्स ये पैंडानस का पौधा। खूबसूरती के मामले में औसम और देखरेख के मामले में बिल्कुल भी केयर करनी नहीं पड़ती है इस पौधे की, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधा ग्रो होते रहता है। इसके जड़ों के पास से बेबी प्लांट निकलते रहता है और ये प्लांट घना हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये पौधा आप ज़रूरी इस प्लांट को लगाइए। बिना देखभाल के ऐसी खूबसूरती आपको बहुत ही आसानी से इस प्लांट से मिल सकती है, और क्योंकि जड़ों के पास से बहुत आसानी से ये फैलते रहता है तो बहुत ही जल्दी आप एक पौधे से कई सारे पौधे भी बना सकते हैं, ढेर सारे हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे एक वर्टिकल स्टैंड जो मैंने बनाया था उसी में इसे लगा रखा है और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये पैंडानस का पौधा बिल्कुल केयर नहीं मांगता है और बिना केयर के ही इतनी ही खूबसूरती हमारे गार्डन में देते रहता है। तो ये जो पौधे मैंने आज आपके साथ शेयर किए फ्रेंड्स, ये सारे ही पौधे विदाउट फर्टिलाइज़र ग्रो होने वाले पौधे हैं, यानी बिना फर्टिलाइज़र के भी आप बड़े ही आराम से आप इन पौधों को लंबे समय तक अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये पौधे जो है फ्रेंड्स उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं जिनके पास समय नहीं है केयर करने का या फिर फर्टिलाइज़र दे नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये पौधे बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्योंकि बिना देखभाल, बिना केयर, बिना फर्टिलाइज़र के चलने वाले ये पौधे जिनको सिर्फ हमें लगाना है और समय समय पे पानी देना है, इतना ही करके हम अपने गार्डन में इन पौधों को लगा के बहुत ही खूबसूरती ऐड कर सकते हैं, खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है वो हम अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, यूज़फुल लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।